Action! Beam! 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 चलो तो दोस्तों एक्शन कमिन मारता है एक्शन बीम और हम अब से हर सैटरडे और संडे को किया करेंगे लाइव स्ट्रीम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेमर जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है यार बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे मैं आज भी राइनो ही बना हुआ हूँ क्योंकि राइनो वाली स्किन मैंने बहुत महंगे रेट पे खरीदी थी, तो इसीलिए मैं राइनो ही बना पाया हुआ हूँ। लेकिन इस राइनो ने मेरे को ना यहाँ पे गिरवा दिया अभी। चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, बेचारा अच्छी बच्चा है। अब मैं चल के जाऊँ, अब क्या कर रहा हूँ मैं चल के जाऊँ, मैं तो चल के जाऊंगा। यहाँ पे जाने से कोई फायदा होता है? बाबा जी का टुल्लू फायदा होता है। ओके, बहुत हो गया एडवेंचर, अब करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस काम और बनाते हैं अपना लिली पेडल में नाम। लिली पेडल नहीं है, इसका नाम क्या है, मैं राउंड का नाम भी भूल जाता हूँ। ओके ओके ओके, माना कि मैं थोड़ी मार खा के गया, लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके ओके, पहुंच गया मैं बहुत आराम से, तो नहीं कहूंगा इस बार थोड़ी गड़बड़ी के साथ गया, लेकिन एटलीस्ट मैं गड़बड़ी ही कर रहा हूं आज तो शुरुआत में। लेकिन कोई बात नहीं यार, ये राउंड तो ना हमारा ऑल टाइम फेवरेट राउंड है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हमको आनी चाहिए। अरे बच गया, गिरता बचा मैं वहां पे। ओके तो दोस्तों, अब से हम हर सैटरडे और संडे दो दिन लाइव स्ट्रीम किया करेंगे। आपको ये आइडिया कैसा लगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सिर्फ सैटरडे संडे लाइव स्ट्रीम किया करेंगे क्योंकि वैसे ज्यादा हो जाता है वरना, और फिर लाइव स्ट्रीम कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस ज्यादा पसंद है, हमें लाइव स्ट्रीम उतना नहीं देखना पसंद। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लाइव स्ट्रीम पसंद है, वीडियोस नहीं उतनी पसंद। तो हम दोनों चीजों को साथ में लेकर चलेंगे। सैटरडे संडे हम हर सैटरडे और संडे वैसे भी दो दिन फ्री होते हैं आप लोगों के पास, तो आप लंबी लंबी स्ट्रीम्स भी देख सकोगे। यानी कि सैटरडे शाम को 7 बजे 7:15 पे शुरू हुआ करेगी लाइव स्ट्रीम, और जैसे ठंड आएगी तो हम लेट भी कर सकते हैं, जल्दी भी कर सकते हैं, जैसी आप लोगों की डिमांड होगी। तो नीचे कमेंट कर दो आज किस समय पे आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए। लेकिन सैटरडे संडे तो मेरी ओर से ज्यादातर फिक्स ही है, लेकिन आप फिर भी अगर ज्यादा डिमांड होगी किसी दिन की या फिर किसी टाइमिंग की, तो मैं उसके हिसाब से काम कर लूंगा। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर। तो दोस्तों, इस वक्त सच में ना मैं टाइम देख रहा था, इन लोगों ने ना फालतू में इस राउंड में बहुत टाइम वेस्ट होता है। 3:52 के करीब इन्होंने वेस्ट करवाए हैं। ये अभी मैंने 8 सेकंड जो लास्ट वाले थे ये छोड़ दिए। तो यार नेक्स्ट हमको यहाँ पे स्लाइम स्क्रैपर आ चुका है, पता नहीं क्यों ये इतना टाइम वेस्ट करवाने के बाद ना लिली लैपर में ऐसा बेकार सा राउंड दे देते हैं जिसमें डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी इतनी बुरी हमारे साथ स्लाइम स्क्रैपर में इससे पहले हुई है? आई डोंट थिंक सो। इतना समय वेस्ट किया लिली लैपर ने, कहा था ना। तो आज की वीडियो में शुरुआत में ही हमारी बेइज्जती होने के बाद आ चुका है हमें नेक्स्ट ट्री टॉप टंबल, जो है बहुत ही आसान, और इसको हम कर जाएंगे क्वालिफाई मेरे यार। तो ये राइम नहीं किया, बस मैंने कर कह दिया, बस कहना ही था, राइम करवाया भी नहीं था। ओके तो हमारे आगे ये गोल गोल रानी कौन खड़ी है? ए रानी मेरे को ले जा, मैं पकड़ूंगा तेरे को। नहीं पकड़ा, चलो कोई बात नहीं, आप पकड़ लूंगा। अरे यार गिरा दिया लास्ट में, डक कभी फूलना था तेरे को। अभी ये कब फूलेगा? ये नहीं फूलेगा, अभी ये फूलेगा, लेकिन अच्छी बात है मुझे पता था कि वो फूलेगा। और यहाँ से इस फूल फलैया से निकल रहा हूँ मैं। ओके आसानी से निकल गया, मैं सबसे आगे जा रहा हूँ, मुझे रास नहीं आएगा ऐसा जाना, तो मुझे कहीं ना कहीं से गिरना पड़ेगा। ओके नहीं गिरूंगा मैं, कहा था ना, अरे इतना नीचे नहीं कहा था कि इतना नीचे गिरना पड़ेगा। ये तो गलत होगी, ये बात गलत है साथी मेरे साथी, ये बात गलत थी। मैं इधर से जाऊंगा रस्सी के, जाया नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आसानी से यहाँ पे पहुंचते हुए। मेढक मत फूलना भी, बहुत अच्छे मेढक, एक मिनट, वो जाते जाते फूल गया था है ना मेरे, बहुत अच्छे नहीं मेढक, तेरे से मैं अपना बहुत अच्छा वापस लेता हूँ, लेकिन तूने फिर से गड़बड़ी की थी, कोई बात नहीं चलो। तो नेक्स्ट हमें आया है स्की फॉल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा राउंड है। ओके तो शुरुआत में हम निकले गड्डी लेके, रास्ते में कोई भी ना मोड़ आया, और मैं कहीं पे भी ना अपना दिल छोड़ आया। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये मेरे को 5 पॉइंट दिए इन्होंने, ये तो छींचेंगे गए बाबा। ओके ओके
तो अभी मैं इस चीटिंग का बदला लूंगा। अरे सेंटर में से जाऊंगा। यस 13 पॉइंट्स, बस इस बार हम क्वालिफाई कर जाते अगर ये सिल्वर थोड़ी सी लेट आती, पर कोई बात नहीं अब कर जाएंगे। ओके इस सिल्वर से ही जाऊंगा मैं अब तो। वैसे मेरा सिल्वर से जाए बिना काम चलता था लेकिन क्या करूं, ये सिल्वर आएगी अभी तो मौका। मैं सिल्वर के चक्कर में अगर मेरे साथ बुरी हुई ना, रहने दो, 13-14 लोग कर गए, मैं रिस्क ना ही लूं तो बेटर है। तो नेक्स्ट हमको यार आया है बिग शॉट, जो कि एक बहुत ही प्यारा राउंड है, लेकिन इस राउंड में गड़बड़ी होने के चांसेस थोड़े थोड़े रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन ये किधर को मार रहा है, ये सारे के सारे फ्रूट इधर को आएंगे। अभी मैं साइड पे हो गया, इस साइड को हो गया, ये मैं इधर को हो गया। अरे सारे कभी किधर को मार रहे हैं, ये कभी किधर को, इस बार इन्होंने स्कीम लगा ली, ये एक साइड को नहीं मार रहे। ओ एप्पल से बचा। ओके ये इनका सबसे ज्यादा खतरनाक तो तरबूज है ना, ये चेरी, एप्पल, ग्रेप्स। ओके ओके सेव आया। अबे सभी यहीं पे रुके खड़े हैं, हिल ही नहीं रहे। मैं फिर भी मूवमेंट तो कर रहा हूँ ना, और तब भी मुझे ही पड़ा था, इनको पड़ा ही नहीं, कितनी बुरी बात है। ये मैं बच गया, अगर वो आता तो मैं जाता। अबे पकड़ूंगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी ना किसी को। वैसे भी ग्रैब करने वाला एक चैलेंज आया हुआ है ऑलमोस्ट। मैं अभी इन पे ध्यान छोड़ के अगर अपना काम कर लूं तो अच्छी बात है ना। वैसे मुझे 10 लोगों को पकड़ना था एक मैच में। अरे बच गया बच गया, अभी उधर से पड़ा ना तो बचेगा अच्छे से। मैं वैसे ग्रैब करता ही रहूंगा, मेरा तो मूड है अब तो। कोई बात नहीं, हार गए हार गए, एक ही बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, इतना बुरी किस्मत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं है। अरे यार नेक्स्ट आ गया हमको रॉक एंड रोल, जो कि एक टीम मैप जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आया है तो खेलना पड़ेगा। मैं हर बार यही डायलॉग क्यों मारता हूँ यार, भाई इसमें ले जानी है हमें गेंद, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और फिर पहुँचानी है एंड में। इस बार तो एंड में वो भी नहीं है, वो चक्के से घूम रहे होते हैं, वरना इनके हैमर से वो बचा लेते हैं, किसी को आगे कर देते हैं, किसी को पीछे कर देते हैं, और मेरी रेड टीम है, पता नहीं क्या होगा। वैसे तो हम भाई सबसे पहले मैंने ही कोशिश करनी शुरू की, तो इसका मतलब समझ रहे हो, वो येलो वाले सारे हमसे आ गए हैं, सारे हमसे आ गए हैं। अबे एक तो हमसे कहाँ जा रहा है वो दूसरों को रोकने जा रहा होगा, लेकिन ये मेरे साथ नमूने हैं। चलो कोई बात नहीं, हम अब कर क्या सकते हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी ओर से। देखो ये दो तो पीछे ही हैं, ये कोई हेल्प ही नहीं कर रहे, वे कर लो भाई, सबसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, अभी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यही डायलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता, अभी मुहावरे होते हैं, एक तो थोड़ा सा पढ़ लेता। अबे किधर ले जा रहा हूँ मैं ले जा रहा हूँ के भाई, मैं तो आगे ही निकल गया, देख लो वो कोई नहीं कुछ कर रहा है उनमें से, कोई किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, कहा था ना इसीलिए मुझे टीम मैप बिल्कुल नहीं पसंद। और कई बार इतनी अच्छी टीम मिलती है ना मुझे कुछ करने, वो भी आगे निकल गया दूसरा भी। अभी वैसे मैं अकेला लग रहा हूँ, कोई तो हेल्प करा दो यार, अभी जाने दो इसको, अब हमारी किस्मत पे डिपेंड है थोड़ा सा। अभी लगाओ जोर, ये ब्लू वाला रोक रहा है, मैं ब्लू वाले को रोकूं या फिर जाने दूं, मुझे ब्लू वाले को पकड़ना चाहिए था वैसे तो। अब देखी जाएगी हमारी गेंद भाई, ब्लू हम आगे पहुंच गए, मेरी मेहनत काम आई ऐसे तो। जा रहे हैं हम, जा रहे हैं, जा रहे हैं हम, अब हमारी किस्मत, और हमारी किस्मत ने काम किया, यस मेरी मेहनत ने भी काम किया, क्वालिफाई करके हम भाई सबसे पहले कर गए हम तो। अभी तो ये वाले ब्लू अच्छे थे यार, इन दोनों ने रोकने में हेल्प की होगी इसको, अब तो इन्होंने पहुंचा दिया, देखो पहुंचाने भी हेल्प की इनकी सच में। नहीं एक मिनट, ब्लू वाले हम थोड़ा था, हम तो रेड थे। चलो ब्लू वालों ने येलो को रोकने की कोशिश की होगी शायद, जो भी हुआ था। तो नेक्स्ट हमको आया रोल ऑफ, लेकिन ये दो वाला रोल ऑफ क्यों आ गया, ये फाइनल राउंड तो नहीं कहेंगे, नहीं कितने बंदे बचे हैं कोई पता नहीं यार, फाइनल में आता है ऐसा रोल ऑफ तो। एलिमिनेट 8 होंगे, कितने हैं ये, 3, 2, 5, पीछे भी 5 होंगे, 10, तो दो बंदे बचेंगे हैं, पता नहीं क्या हुआ है यार, पता नहीं क्या होगा, बस मेरे को तो बचने का कोशिश करना है। मैंने जानबूझकर कहा, ये मत समझ लेना मैं तोतला हूँ, बचने का कोशिश करना है। वैसे इसमें तोतले वाला तो नहीं कुछ है, लेकिन अबे रुक के, अबे ये पकड़ा किसने बेवकूफ,
ओके एक बंदा तो एलिमिनेट हो गया बेचारा। ओके मैं सही से जा रहा हूँ ना, अभी तक एक ही एलिमिनेट हुआ। इसमें ऐसे ही होता है, बहुत कम बंदे एलिमिनेट होते हैं। तीन गए अभी तो, अब थोड़ा फायदा है तो। गिरता गिरता बचा मैं। अबे यार बहुत तेज हो गए रोलर। बच गया बच गया, मैं बच गया बच बच गया। क्या किस्मत है, अकेली किस्मत नहीं, मैंने कोशिश तो की लेकिन अकेली कोशिश भी नहीं। सिर्फ एक बंदे से पहले गिर गया यार, जीत सकता था। ये फाइनल राउंड ही है, अच्छा खेला बस, मैं संतुष्ट हूं। हो क्या कुछ हुआ आज, ये राउंड बहुत अच्छा है, प्यारा है, काफी कम आता है ये फाइनल में लेकिन आता है। ये क्या, ये एक क्या है, अभी ये दो बंदों का युद्ध चल रहा है। ओके तो नेक्स्ट हमको आया है हमारा प्यारा प्यारा राउंड डो डैश, जिसमें हम अपने लक की धज्जियां उड़ाते हैं। नहीं 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 गलत हो गया, धज्जियां लक हमारी उड़ाता है। पहला तो ठीक निकला रे, अब इनको जाने देते हैं, देखने देते हैं किनको। ओके सही थे हम भी जाते अगर तो, आगे देखने देते हैं इनको। ओके यस अब आगे उसको देखने देते हैं, वो अकेला है बेचारा। गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। इतने सारे गलत निकल के एक सही हुआ, अभी कौन सा है। ओ दोनों सही, अब कौन सा है देखो, जल्दी करो जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है। ओके ओके अच्छी बात है, जल्दी देखो जल्दी ढूंढो। ओके ये वाला है तो सबसे पहले इसको तोड़ने वाला मैं बन गया। नहीं मुझसे आगे पता नहीं कितने बंदे गिर गए, ऐसे गिरते हैं जैसे ज़ॉम्बीज़ गिरते हो यहाँ पे। बूम। तो नेक्स्ट हमें आया है शॉर्ट सर्किट, ये काफी समय बाद देखने को मिला मुझे, लेकिन इसे मैं बस क्वालिफाई कर जाऊँ, बहुत समय बाद आया है ये मुझे। वैसे तो आसान होता है ये, लेकिन इतनी भगदड़ में आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इतने लोग ऊपर से ही जाने की कोशिश करते हैं, मैं तो साइड से जाता हूँ। सही में जितने समय से ऊपर में जाऊँगा ना, उससे तो आधे समय में मैं साइड से निकल जाता अगर पहले ही निकलता। अरे यार यहाँ पे बहुत फंसता हूँ एक तो मैं कई बार। अरे निकल 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 निकल, यस यस यस, मैं काफ़ी ज़्यादा वैसे तो लेट से ही जा रहा हूँ लेकिन। अरे यार तभी ये कलर चेंज होना था इनका। एक मिनट हम इधर से भी साइड में जा सकते हैं, ये देखो अभी ये भी रेड है, अब यहाँ से भी दीवार आ गई। मैं कलर चेक करने के चक्कर में ना मैंने बेइज्जती करा ली, बेइज्जती नहीं कराई यानी कि बस पंगा ले लिया। अबे लेट हो जाएगा तू, ये तू इतने एक्सपेरिमेंट्स मत किया कर आज से, आजकल तेरे जुतियां पड़ेंगी मुझसे। यस पहुंचाओ पहुंचाओ पहुंचाओ, यस 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 मुझे जाना है जल्दी से। वैसे अभी काफी लोग मेरे से आ गए हैं तो ये लोग फटाफट करेंगे, और अभी मैं ऊपर से नहीं जाने का, नीचे से ट्राई करने का। वैसे तो ऊपर से जल्दी जाने के चांसेस होते हैं, और मैं पहले ऊपर से ही जाया करता था मुझे याद है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके ओके तो यहाँ से तो मैं कम से कम अच्छा गया, इसने भी अच्छा मारा मुझे, पर यहाँ पे मेरी किस्मत आके डूब जाती है, इधर ब्लू वाला है। ओके मैं पहली बार जा रहा हूँ इधर से, आपको पता है बे साइड पे हो जा। कितने बंदे करके, पांच बंदे करके गए, ठीक है फिर तो ठीक है। यस यस अब भाग जा यहाँ से, 12 करके गए, आराम से कर जाऊंगा अब तो। तरह नहीं आराम से नहीं करूंगा लेकिन करूंगा, शुक्र है। ओके नेक्स्ट हमें आया है फ्रीजी पीक, काफी समय बाद ये राउंड आया है। ये राउंड थोड़ा रिस्की रहता है, जब आपको इसमें ये 25 और ये पंखे मिले तब रिस्की रहता है, वरना तो आसान है। और साथ में ये गेंद भी पता नहीं किधर से आ जाती है, और मेरी तो इतनी बुरी किस्मत है जिस साइड को मैं जा रहा होता हूँ ना उस साइड की आती है ये। और लेकिन अभी ठीक रही काम, और मैं निकल गई हूँ यहाँ पे। एंटी ग्रेविटी आ गई, एंटी ग्रेविटी यहाँ पे, एंटी ग्रेविटी है भाई, लेकिन इस एंटी ग्रेविटी को तो हम कर गए, और इतने हालत बुरी भी नहीं है हमारी।
काफी ठीक कर गया मैं इस पंच को, बजा 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 पंच लगा 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 लगा, नेक्स्ट पंच भी लगा 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 लगा, नेक्स्ट भी लगा लग लग लग, नेक्स्ट भी लगा लग लग लग, नेक्स्ट भी लगा लग। ओके अब मैं दोनों को कर जाऊंगा, नहीं करूंगा, मैं रिस्क नहीं लेते बच्चे, लास्ट तक पहुंचा पड़ा है, लास्ट में जाकर पंगा नहीं लेने का। एक बंदा तो क्वालिफाई भी कर गया, क्या हेलीकॉप्टर पे बैठ के गया था वो, मुझे ये नहीं समझ में आती। अरे बाप रे, ओके यस, यहाँ पे खड़ा है, आजा झप्पी डाले, आजा, हाय हाय हाय, मैं जाता हूँ। शुक्र है जंप क्लब दिया इन्होंने, मुझे लगा था ये टीम मैप ना दे दें। और यार टीम मैप तो इन्हें सिर्फ टीम वाले मैचेस में ही देने चाहिए, जो बंदे टीम चुनते हैं यानी जो टीम में खेलते हैं उनको ही देने चाहिए, पर फिर इनके पास प्लेयर्स कम होते होंगे, उसमें प्लेयर्स ऐड करने के लिए ये टीम वालों के साथ मैच लगा देते होंगे शायद, क्योंकि टीम में तो कम ही लोग खेलते होंगे, पता नहीं जो भी होता होगा। चलो और आप लोग कहते हो इसके पीछे भागना चाहिए, लेकिन मैं नहीं भागूंगा क्योंकि फिर प्रैक्टिस हो जाती है जंप करने की। अच्छी बात है, वो उसमें काम आएगी हमें जो फाइनल राउंड में आता है, ये जंप वाला क्या नाम है उसका, फाइनल में आता है जो जंप शोडाउन है उसका नाम, इसका जंप क्लब है। ओके तो कोई इस बार कोई भी पीछे भागने वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहा है, कल वाली वीडियो में अपना रहे थे काफी लोग, कल वाली, हाँ हाँ हाँ, अभी तो फास्ट हो गया वो। अरे ये मैं डबल जंप कैसे कर गया था बिना मतलब के, अभी मैंने बिना देख के जंप किया क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कब आ जाएगा। ओके अभी मैं देख के जंप किया, अब वो एक साथ तो नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे भाग रहे। ओके बच गया बच गया बच गया बच गया, अभी नहीं आएंगे, बच गया, कितने जाने, अभी एक भी नहीं गया, भाग 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 भाग, चल अभी भी एक भी नहीं गया, ये क्या कर रहे हैं, इतना फास्ट करेंगे, ये खूब प्रैक्टिस कराएंगे, मैंने ही डिमांड की थी कि प्रैक्टिस करवानी चाहिए, होनी चाहिए कहा था, करवानी चाहिए नहीं कहा था, मैं प्रैक्टिस करता हूँ ये कहा था, करवानी चाहिए नहीं कहा था, मुझे नहीं पता क्या कहा था तूने और क्या नहीं कहा था। क्वालिफाई करके 5 एलिमिनेट भी हो गया, अब इतनी जल्दी होगी, पहले एक भी नहीं हो रहा था। तो हम फिर से पहुंच चुके हैं फाइनल राउंड में, यस इजीली। अरे फाल माउंटेन, ये पता नहीं मेरा कब पीछा छोड़ेगा। और इसमें मुझे ना लास्ट वीडियो में खेलने के बाद मुझे एक सीख मिली है कि इसमें सेंटर में से जाना चाहिए, तब रूट जल्दी निबड़ता है, अगर साइड से जाओगे तो रूट थोड़ा लेट खत्म होगा, लेकिन उसका जाने का नुकसान भी, आपको गेंद भी टकरा सकती है। तो इसमें जो लोगों को ये टिप और ट्रिक का पता है ना, वो क्वालिफाई करते हैं इजिली, लेकिन मैं भी यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ, इस बार भगवान भरोसे जाऊंगा मैं, देखी जाएगी, मैं सेंटर से ही जाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो जैसे भाग रहा हूँ वैसे ही भागूंगा, और अभी ये मारेगा तो ठीक है, मैं इस साइड से जाना चाहिए मुझे लगता है ज़्यादातर। ओके गेंद आई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, तो ये देख लो अभी गेंद आ रही है, नहीं आई, ये वाली आएगी, लेकिन मैं बच गया उससे भी, ये आई, ये दो दो गेंद, तीन तीन, चार चार आई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लगी। अरे यार इधर से चल, इधर से चल, इधर से चल, दो लोग मेरे से आगे निकल गए इतने से समय में, देख लो मैंने सिर्फ एक जगह पे मार खाई, अब तीन निकल गए क्योंकि मैंने दो जगह पे, नहीं 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 नहीं, अभी तो अभी दो ही आ गए, आए हुए, तभी वो भी नीचे आना था, एक मिनट ऊपर नहीं जा सकता था, जीता जीता फिर से जीता जीता, तीन दो बंदों से पीछे रह गया मैं इस बार। तो हमें शुरुआत हो रही है इस बार नाइट फीवर के साथ, और आज हम दो बार फाइनल राउंड में जा आए हैं, फाइनल राउंड्स के दर्शन कराए हैं और फाइनल राउंड्स में हार का मुंह भी देखा है, लेकिन अभी हम जीत का मुंह देखना चाहते हैं इस बार फाइनल राउंड में, जो कि होना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अब ये क्या किया इन्होंने इस बार, ओके पकड़ लिया मेरे अच्छे राइनो ने, बहुत अच्छे से, यहाँ पे ये बच्चों की किसने टांगी, ये बच्चों की गेंदें, और मैं पहुंच गया। अरे भाई क्या जंप लगाया है मैंने, ओके यहाँ पे मैं बचा, यहाँ पे मैं फिर से बचा, यहाँ पे मैं फिर से बचा, यस मुझे पता था मैं बचाऊंगा, मैं पंच नहीं खाऊंगा, ये लोग अच्छे नहीं है पंच वाले लोग, क्योंकि ये अच्छे से पहुंचाते ही नहीं, अभी ये नीचे गिराएगा मुझे, देखो कहा था ना खाम खा मेरी दोबारा मेहनत करवाएगा, राइनो का वेट लॉस हो जाएगा ऐसी हरकतें कर करके। यार 41 बंदे क्वालिफाई करेंगे, इतनी जल्दी आ गए मैं, ये मुझे पकड़ के क्वालिफाई करवाएगा, ये ले मैं भी झप्पी डालता हूँ, तू भी डाल अब। अरे यार मेरा माउस एक तो चल सॉसेज, तू क्वालिफाई करेगा, तू मेरे आ मैं कर क्या। तो नेक्स्ट हमें शुरुआत, यहाँ पे शुरुआत नहीं हो रही इस बार डिजी हाइट से, ज्यादातर शुरुआत होती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है जो इस बार शुरुआत नहीं हो रही। अरे यार इतना क्यों भगदड़ मचाते हो, सभी को जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन कल सुबह पनवेल किस किस को निकलना है अभी। ओके बच गई हो, बच गई हो, इधर से ही भागी हो, गेंद आई हो और इधर से निकली हो और भागी हो,
अभी एक और आई हो, लेकिन वो यहाँ पे किसी ने अपना बलिदान दी हो, बॉल को उठाई हो, हमको भागने का मौका मिल जाइयो यार, बस कर। ओके कर दिया। नीचे क्यों गिरा, अभी लास्ट में जाकर नीचे गिर गया तू यार, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। चलो कोई बात नहीं, वो हम कर जाएंगे। यहाँ पे वो भी नहीं है, क्या कहते हैं उसको, बिग ईटस, वरना तो और जल्दी कर जाता मैं। ओके यहाँ पे एक गेंद पड़ी मुझे फाइनली, और मैं जल्दी ही कर गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी कर जाऊंगा। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे आ चुका है हमारा, इसका नाम क्या होता है, डोंट फॉल ऑफ नहीं, इसका नाम होता है यार क्या, ब्लॉक पार्टी आई थिंक, यस। और ब्लॉक पार्टी आ चुका है, जो कि कतई आसान राउंड है, जहर है ये राउंड, जहर। ओके आरामी से क्वालिफाई करने वाला राउंड है, आरामी का क्या मतलब, गिरा दिया था इन्होंने आरामी से, तो आराम से तो हो गया था काम यहाँ पे। अरे यार इतना क्यों टकराते हो आपस में, गधे हो तुम लोग। मैं कहाँ हूँ, अरे मैं खो ही गया था इसमें, मैं ब्लॉक्स देखता देखता अपने आप को देखना ही भूल गया था, अपनी शक्ल भूल गया था, मैं राइनो हूँ, राइनो याद कराता रहा कर, कौन सा जानवर है तू, तू है राइनो, अच्छा भला गिरता गिरता बचा। और ये आवाज कुछ ज्यादा नहीं होगी थी, बाहर आवाज जाती है मेरी खेलते खेलते की, और सच में ये गड़बड़ी हो गई थी। ब्लॉक पार्टी जैसे राउंड में गड़बड़ी हो जाए ऐसा बहुत कम होता है, और बहुत दुखी, आज तक मैं इस राउंड में एक बार डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ सिर्फ, हाँ वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से, जो जैसी बेवकूफी मैंने आज कर दी थी वैसे। ओके बल्कि यहाँ पे जंप लगाने में खतरा होता है, क्योंकि आप आगे चले जाते हो जंप लगा लगा कर, तो मैं थोड़ा पीछे ही हो लेता हूँ यार, जब इतने लोग जंप करते हैं तब पंगा पड़ जाता है। फाइनली हो गया काम, यस यस हो गया हो गया। अब इन ब्लॉक्स के मम्मी पापा आ रहे हैं, बच्चे पहले निकल गए, बीच बीच में कोई बच्चा भी आ जाता है, ये देख लो साइड से अंटियां निकल, अरे क्या कर दिया था तूने कदे, अरे क्या कर दिया था तू, अबे निकलने दो आज थोड़ा तो गड़बड़ी करके क्वालिफाई किया मैंने तो इस राउंड में से तो मुझे नहीं लगता, मुझे मुश्किल से एक दो बंदा डिस्क्वालीफाई होता होगा। नहीं यार ज्यादा हुए, काफी गए फिर भी, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 1, 13 बंदे को डिस्क्वालीफाई हुए इस राउंड में से भी, हद हो गई। तो नेक्स्ट हमें आ चुका है टिप टॉ, अगर इसको क्वालिफाई किया तो सीधा फाइनल राउंड आएगा, और अगर ना क्वालिफाई किया तो फाइनल राउंड आज की वीडियो में हमें दो बार ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। वैसे ये राउंड थोड़ा सा लक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, थोड़ा सा इसमें आपका स्किल भी यूज होता है, थोड़ा स्किल यूज होता है लेकिन ज्यादा नहीं, स्किल इतना ही यूज होता है कि आपको बचना होता है गिरने से, और कुछ नहीं। ओके तो ये वाली टाइल्स हैं यार, आवाज बहुत सुंदर है लेकिन इन टाइल्स की, अरे गिरा दिया मुझे, मेरी बलि देकर उन्होंने रास्ता निकाला। अबे जल्दी चल, जल्दी चल यार, इस बार बहुत फास्ट तरीके से जा रहे हैं वो लोग। भाई गिरता गिरता बचा मैं। ओके कर गया, शुक्र है कर गया भाई, पूरे पूरे नंबर पे कर गया, लेकिन कर गया मैं, नहीं पूरे पूरे पे नहीं किया, कर गया, मेरी मेहनत काम आई, मैंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंत में खेला। तो लास्ट में हम आज की वीडियो में भी हर बार की तरह, अब तो हर बार की तरह ऑलमोस्ट तीसरी बार फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, और फाइनल राउंड आया हमको हेक्सागोन, वो भी एंटी ग्रेविटी वाला, जिसका मुझे हिसाब है ऐसे तो ठीक है यार, बस इसमें मैं गड़बड़ी करता हूँ अपने कंट्रोल्स के साथ करता हूँ, चाहे किसी मर्जी चीज के साथ लगा लो मैं गड़बड़ी करता हूँ। हम सीधे नीचे जाएंगे, ठीक है, तो मैं वैसे तो सबसे ऊपर ही रह गया शुरू में तो, लेकिन शुरू में मैटर नहीं करता ना, मैटर तो बाद में करता है, बस वो अपने रास्ते गया लेकिन मेरे को वही रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं ठीक खेल रहा हूं इस बार, नॉट बैड, लेकिन कब तक ये मुझे नहीं पता, अभी मुझे देख देख कर अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये सभी बंदे अच्छा खेल रहे हैं ये वाले तो, Woo!
अरे यार कहाँ पे गया मैं सीधे? अब यहीं पे ऐसे ही करना पड़ेगा अब। भाई यार ये एक तो मंगस वाला बनता था ना, ये एकदम गधा है, ये खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा, सच में बता रहा हूं मैं। ऐसे बंदे को ना देश निकाला दे देना चाहिए फॉल गाइस से। मैंने रिस्क लिया लेकिन मैं पहुंच गया वहां तक। अभी हमें नीचे जाना ही होगा, लेकिन मैं नीचे जाता हूं अभी, बस जाता हूं मैं नीचे और अभी यहां पे मैं ढूंढता हूं। अबे तेरे बाप का राज है, अरे यार इसमें डाइव नहीं करना था। बहुत जी जान से खेला था इस बार मैं, आज दिल से दुख हुआ मुझे अब हारने पे इस बार। चलो कोई बात नहीं, तो बस दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो यहीं तक थी यार। बहुत मजा आया फॉल गाइस खेलने में। ये हमारी जो लगातार फॉल गाइस की सीरीज चल रही है ना, इसमें हम डेली कम से कम 3 बार फाइनल राउंड में जा रहे हैं अभी तो, लेकिन जीतेंगे पता नहीं कब। और ये यहाँ पे जादू कर रहा है लेकिन इसका जादू नहीं चल पाया, क्राउन इसको नहीं मिल पाया। अच्छी बात है, सॉसेज जादू ढट्ठे खूह में जाग गए। चलो तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पहले से कर दोगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, चाचा।